नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 25 अगस्त है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो मुख्य वर्षा जो हुई है वो गुजरात रीजन में और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर उस बेल्ट में हुई है। और इसके अलावा बैरी एवरेन यानी कि यहाँ पर एक्सट्रीमली एवरेन पास जो लाल रंग से दिया हुआ है, इसके अलावा बैरी है भी पूर्वी राजस्थान पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा वर्षा वलसाड़ जिले जो गुजरात रीजन में वहाँ पर 34 से लेकर के 36 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हुई है। इसके अलावा सूरत, नवसारी, दमन और इन सब क्षेत्रों में भी 29 से लेकर के 31 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिली है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र इन सब पॉकेट्स में भी 12 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हुई है। कल मुंबई में भी 8 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर मुंबई और सब अर्बन में वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा भारी वर्षा के जो बाकी के जोन है वो जैसे आप देख सकते हैं येलो कलर से दिखाया हुआ है, पूर्वी भारत खासतौर से झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा मध्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और साउथ जो पेनिनसुलर भारत है जिसमें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक वहाँ पर भी भारी वर्षा हुई है। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड, इसके अलावा मेघालय में भी 7 से लेकर के 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें, खासतौर से जो हमारे सिनोप्टिक सिस्टम्स हैं उसमें जो सबसे मुख्य सिस्टम वो यही है कि आज सुबह 5:30 बजे एक डिप्रेशन उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बन गया था और जो अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में डिप्रेशन के रूप में बना हुआ, जिसका डिटेल हम आगे साझा करेंगे। इसके अलावा आज 11:30 बजे एक लो प्रेशर एरिया यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र भी दक्षिणी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बन गया है। यानी कि एक सिस्टम जो मुख्य सिस्टम है वो पूर्वी राजस्थान, उससे सटा हुआ जो पश्चिम मध्य प्रदेश वहाँ पर डिप्रेशन है, इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया जो निम्न दबाव का क्षेत्र वो दक्षिणी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। मानसून ट्रफ जो है अपने दक्षिण पश्चिमी सिरा दक्षिण में और पूर्वी सिरा सामान्य स्थिति के आसपास अभी देखा जा रहा है और इसके ऐसे ही दक्षिण और उसके आसपास के क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है। ऑफशोर ट्रफ दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरला तक बनी हुई है। ये हमारी सैटेलाइट इमेज, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं अच्छे खासी बादलों का जमा बड़ा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक तक अच्छी खासी क्लाउडिंग यानी कि बादल देखे जा सकते हैं। और इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव में जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी, उससे सटा हुआ जो मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तरी उड़ीसा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिजोरम त्रिपुरा के आसपास अच्छी खासी क्लाउडिंग देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे हमारे इसके डिप्रेशन के ट्रैक के बारे में। तो ये हमारे 3 जो 0 OTC का ट्रैक है उसके हिसाब से हमने लगाया हुआ है, ये ट्रैक है और इस ट्रैक के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये इसका डिटेल है। अगर अभी की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास अभी डिप्रेशन बना हुआ है जो कि गुना से, जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश का स्टेशन, वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में बना हुआ है और अगले 12 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान पर एक डीप डिप्रेशन गहन आपदाओं के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है और इसके बाद ये धीरे धीरे राजस्थान और गुजरात से होते हुए पश्चिम दक्षिण पश्चिम की दिशा में बढ़ता रहेगा और 29 अगस्त के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और उससे सटे पाकिस्तान के तटों पर उत्तर पूर्व अरब सागर में इमर्ज होने की संभावना है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ऊपर के 2 मुख्य बिंदु वही हैं कि पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास डिप्रेशन बना हुआ है, दूसरा दक्षिण बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इन सब के प्रभाव में अगर मुख्य वर्षा की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में तो एक्टिविटी आने वाले 4 से 5 दिनों तक भी अच्छी खासी एक्टिविटी गुजरात में बनी रहेगी, जिसका जिक्र हम जिलेवार आगे भी करेंगे। अगर हम दिनांक के हिसाब से वर्षा की चेतावनियों की बात करें तो आज लाल रंग पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य, कोंकण गोवा और घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र के वहाँ के लिए लाल रंग है, वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज हो सकती है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कुछ स्थानों पर इन सब क्षेत्रों में होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ऑरेंज कलर के साथ होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा इनसे जो सटे हुए क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, पूर्वी मध्य प्रदेश हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, केरला, उड़ीसा
ये सब क्षेत्रों में भी आज भारी वर्षा हो सकती है और इस लो प्रेशर के प्रभाव में मिजोरम त्रिपुरा में आज एक्सट्रीम डिग्री रेनफॉल हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। उड़ीसा और झारखंड में वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य आसाम मेघालय खासतौर से मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज भारी वर्षा हो सकती है। बाकी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तराखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट में होने की संभावना है। 26 तारीख की बात करेंगे कमोबेश वैसी एक्टिविटी दक्षिणी राजस्थान और इसके अलावा गुजरात कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरिया जो वहाँ पर एक्सट्रीम वेवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार गंगे पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा हो सकती है। लो प्रेशर के आगे बढ़ने की वजह से और उसके और भी बेलमार्क होने की वजह से जो झारखंड और उड़ीसा वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय और सिक्किम में भी भारी वर्षा 26 अगस्त को बने रहने की संभावना है। 26 अगस्त को केरला और उत्तरी कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावना है। 27 तारीख की बात करें तो गुजरात राज्य में एक्सट्रीम डिग्री रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में हैवी टू वेरी रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरियाज वहाँ पर भी हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और केरला में भारी वर्षा 27 अगस्त को हो सकती है। पूरी भारत की बात करेंगे तो झारखंड और बिहार में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 27 अगस्त को भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई देती है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में भारी वर्षा 27 अगस्त को हो सकती है। 27 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना है। 28 अगस्त की बात करेंगे 28 अगस्त को मध्य भारत से एक्टिविटी की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा बनी रहेगी परंतु अभी भी आप देखेंगे 28 अगस्त को भी गुजरात राज्य में एक्सट्रीम वेवी रेनफॉल खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीम वेवी रेनफॉल होने की संभावना है। गुजरात राज्य में भी गुजरात डिवीजन जो है हमारा उसमें भी हैवी टू वेरी रेनफॉल 28 तारीख को बने रहने की संभावना है। इसके अलावा बात करेंगे कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र इसके अलावा कर्नाटक केरला इन पश्चिमी तट में भी भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में झारखंड और उड़ीसा में भारी वर्षा 28 अगस्त को भी बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू डिवीजन इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भारी वर्षा हो सकती है। 29 अगस्त को अगर हम बात करें तो गुजरात में 29 अगस्त को भी खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ में एक्टिविटी जारी रहेगी और गुजरात रीजन में भी एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। वहाँ पर भी हैवी टू वेरी रेनफॉल और सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली रेनफॉल 29 तारीख को भी होने की संभावना है। पश्चिमी तट में एक्टिविटी रहेगी भारी वर्षा वहाँ बनी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में उड़ीसा और मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और दक्षिण प्रदेश भारत में तेलंगाना इंटीरियर कर्नाटक में 29 अगस्त को भी भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में मिलेगी। इसके अलावा जम्मू डिवीजन में भारी वर्षा 29 अगस्त को होने की संभावना है। 30 तारीख को गुजरात में एक्टिविटी में इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आने की संभावना है। हालांकि इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। पश्चिमी तट खासतौर से कोंकण गोवा तटीय कर्नाटक केरला में भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी तट कर्नाटका और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 29 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। 31 तारीख को इंटेंसिटी में और कमी आएगी। सिर्फ सौराष्ट्र कच्छ में कद्दूक पॉकेट्स में भारी वर्षा बनी रहेगी लेकिन मध्य भारत में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। और पश्चिमी तट की बात करें तो तटीय कर्नाटक केरला और उत्तरी कर्नाटक में 31 अगस्त को भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम जिले के हिसाब से देखें राजस्थान के लिए हमने तीन दिनों के लिए क्योंकि एक्टिविटी आने वाले तीन दिनों दक्षिणी राजस्थान में एक्टिविटी रहने वाली है तो उसके हिसाब से जिले के हिसाब से अगर हम देखें तो आज उदयपुर इसके बाद डूंगरपुर वंशवाड़ा और सिरोही यहाँ पर रेड कलर वार्निंग है। यहाँ पर एक्सट्रीमली रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं जैसे झालावाड़ है बरान है कोटा बूंदी टोंक भीलवाड़ा अजमेर इसके अलावा चित्तौड़गढ़ राजसमंद पाली जालौर और बारमेर ये सब जिले हैं वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। और तीसरी लेयर जो है वो जयपुर नागौर और जोधपुर की है जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है और जो हरे रंग से दिखाए वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आज होने की संभावना है। अगर हम 26 अगस्त की बात करें तो डूंगरपुर वंशवाड़ा और उदयपुर सिरोही और जालौर ये सब जिले जो दक्षिण राजस्थान के यहाँ पर एक्सट्रीम वेवी रेनफॉल हो सकती है। बारमेर पाली राजसमंद चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। झालावाड़ बरान कोटा बूंदी भीलवाड़ा और जोधपुर में हैवी रेनफॉल 26 अगस्त को होने की संभावना है। 27 तारीख की अगर हम बात करें तो बारमेर जालौर सिरोही और उदयपुर में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा डूंगरपुर बंसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद और पाली राजसमंद पाली जोधपुर और जैसलमेर यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना। कुल मिला के आप देख सकते हैं इसमें आपसे दक्षिणी राजस्थान आने वाले तीन दिनों तक एक्टिविटी यहाँ पर भारी वर्षा की जारी रहने की संभावना है।
गुजरात की बात करेंगे, गुजरात के आने वाले 5 दिनों के मैप लगाए हैं। अगर आज की बात करें तो जो नर्मदा, सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, भावनगर, ये सब जो जगह हैं यहाँ पर आज एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकती है, और जो ऑरेंज कलर से हमने दिखाए वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आज होने की संभावना है। दादरा नगर हवेली में भी आज अच्छी खासी एक्टिविटी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भी आज एक्टिविटी होने की संभावना है। इसके अलावा जो आसपास के जैसे हम बता रहे हैं जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, ये सब सुरेंद्र नगर, भावनगर, ये सब जो जगह हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, यहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसके बाद कल की अगर हम बात करें, कल भी इन्हीं सब पॉकेट्स में जैसे बड़ोदरा है, सूरत है, नवसारी है, वलसाड है, अमरेली है, ये सब पॉकेट्स में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल कल भी जारी रहने की संभावना है। परसों की अगर हम बात करें तो खासतौर से जो एक्टिविटी है वो कच्छ और जो आसपास के क्षेत्र हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, ये सब स्थानों पर एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकती है। बाकी जो ऑरेंज कलर से दिखाए वहाँ पर एक्टिविटी जारी रहेगी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की। इसके बाद हालांकि हमने ऑरेंज कलर दिया हुआ, परंतु एक्टिविटी एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल की जो कच्छ, देवभूमि द्वारका और ये सब पॉकेट्स हैं यहाँ पर भी सौराष्ट्र कच्छ में इसके बाद भी एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। और उससे सटा हुआ जो बाकी का क्षेत्र है जो गुजरात का, वहाँ पर भी जो ऑरेंज कलर से हमने दिखाए वहाँ पर एक्टिविटी जारी रहने की संभावना, कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक गुजरात में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, खासतौर से ये जो पॉकेट्स लाल रंग से दिखाए गए हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, खरगोन, ये सब जिलों में भी आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो नीमच और राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ये सब पॉकेट्स में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। हरदा, बैतूल और खांडवा में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। रायसेन, सागर, दमोह, ये छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये सब में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। कल की बात करें, आज खासतौर से जो झाबुआ, आज की जो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का जो क्षेत्र है वो यही है कि अलीराजपुर, झाबुआ और धार, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आज एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हो सकती है। 26 तारीख की बात करें तो झाबुआ, धार और अलीराजपुर, ये जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर वर्षा की एक्टिविटी जारी रहेगी। बाकी आसपास के जो क्षेत्र जैसे इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, रतलाम है, मंदसौर है, और इसके अलावा ये जो पॉकेट्स हैं यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद देखिए 27 तारीख से एक्टिविटी में कमी आती हुई दिखती है, यानी 27 तारीख को से MP में, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा में अच्छी खासी कमी आने की संभावना है। तो कुल मिला के 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। अब हम बात करेंगे फिशरमैन की, तो आज फिशरमैन आप देख सकते हैं जो ये कलर शेडिंग लगाई है, यहाँ पर फिशरमैन बनने की चेतावनी जारी की गई है। अगर आज की बात करें तो आज देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, उससे सटा हुआ जो नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी, वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, वहाँ पर आज फिशरमैन बनिंग जारी की गई है। गुजरात तट, महाराष्ट्र तट, तटीय कर्नाटक, ये सब पॉकेट्स में फिशरमैन बनिंग आज जारी की गई है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जो खासतौर से उत्तरी जो बंगाल की खाड़ी है, उड़ीसा तट, बंगाल तट और बांग्लादेश के जो तट हैं वहाँ पर आज फिशरमैन बनिंग जारी की गई है। इसके अलावा जो दक्षिणी तमिलनाडु और गल्फ ऑफ मन्नार का क्षेत्र, वहाँ पर भी आज चेतावनी जारी की गई है। बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आप देख सकते हैं कि आज, कल, परसों और आने वाले 4 से 5 दिनों तक जो है, जो उत्तरी अरब सागर से आसपास के जो गुजरात, महाराष्ट्र के तट, वहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग विंड्स रहने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर फिशरमैन बनिंग जारी की गई है। 28 तारीख से देख सकते हैं आप, 28 और 29 तारीख में ये 55 से 65 और गस्टिंग में 75 किलोमीटर तक की तेज़ हवाएं भी जारी होने की संभावना है। इसके अलावा इम्पैक्ट की बात करेंगे, जैसा कि हम बता रहे थे गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर फ्लडिंग होने की संभावना, फ्लैश फ्लड्स की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज, वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, वहाँ पर पानी भर सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, और भारी वर्षा के दौरान विजिबिलिटी जो है कम हो सकती है, हाईवेज पे विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए यातायात के संबंधित जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। इसके अलावा जो इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकारों के जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करना चाहिए, और मौसम संबंधी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए mausam.imd.gov.in को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट, उसको विजिट करना चाहिए, और वहाँ पर हम mausam.imd.gov.in पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग भी हमारी लगा के रखी हुई है, वो भी आप विजिट करते रहिए। इसके अलावा हमारे फेसबुक, एक्स
और बाकी के जो माध्यम है जैसे इंस्टाग्राम आदि, वहाँ से भी आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर अपडेट देंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।